मैं आपको लगातार ये बताता रहता हूँ कि अमीर होने के लिए आपको क्या करना है और आप अमीर कैसे हो सकते हैं। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि तू खुद अमीर हो गया है क्या जो तुझे ये बताने का अधिकार है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास यही जवाब है कि आज से 6 साल पहले मैं कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन आज फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुका हूँ, जो कि अमीर होने की दिशा में तीसरा कदम है और चौथे कदम की तरफ मैं चल रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं आपको ये सिखाने का अधिकार रखता हूँ कि अमीर होना कैसे है। और आज मैं आपको 4 कदम बता रहा हूँ जो कि अमीर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इन 4 कदमों पर चल लेते हैं, इन 4 कदमों को समझ लेते हैं, तो यकीन जानिए आप निश्चित रूप से अमीर हो जाएंगे। बात करें अमीर होने के इन 4 कदमों की, तो इसमें पहला कदम है अपने माइंडसेट को चेंज करना। मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों से बात करी और उस बीच मैंने ये पाया कि गरीब लोगों में सभी का माइंडसेट लगभग एक जैसा होता है। गरीबों को ये लगता है कि आज की सिचुएशन में अमीर होना मुमकिन नहीं है, सिर्फ गलत काम करके लोग अमीर हो सकते हैं। अमीर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत होगी। उन लोगों को ये भी लगता है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर हो सकते हैं। कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि अमीर खुश नहीं होते, कुछ ये मानते हैं कि अमीर घमंडी होते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियन। देखिए, मैं इस बात को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि अगर आपके दिमाग में अमीर होने के बारे में कोई भी नेगेटिव सोच है तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। चलिए, इसे समझाने के लिए मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो कि शायद रिलेट ना कर पाए, लेकिन मेरी बात का मतलब आपको जरूर समझा देगा। मान लीजिए आपके सामने गुलाब जामुन रखे हुए हैं और आप उनको खाना चाहते हैं, लेकिन आपको दिमाग में ये चिंता भी चल रही है कि गुलाब जामुन खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा यार। पर आप उसके बाद भी डरते डरते चिंता करते हुए गुलाब जामुन उठाते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए ना करना आसान कहाँ होता है। अब आप गुलाब जामुन तो खा लेते हैं, पर आपके दिमाग में वजन बढ़ने की चिंता चलती रहती है, और इस वजह से आप अपने गुलाब जामुन को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, और आप इसे खाकर अपने शरीर में कैलोरीज को तो बढ़ा लेते हैं, जिसके चलते आपका वजन भी बढ़ जाता है, लेकिन आप गुलाब जामुन को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाते। अब यहाँ समझदारी ये होती है कि या तो आप गुलाब जामुन खाएं नहीं, और अगर खाएं तो ये वजन की चिंता ना करें, बल्कि आप गुलाब जामुन को एंजॉय करें और बाद में थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने वजन को मैनेज कर लें। कुछ ऐसा ही अमीर लोगों के बारे में नेगेटिव राय रखने पर भी होता है। आप अमीरी का गुलाब जामुन तो खाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये चिंता भी होती है कि अमीर होने से हम बुरे हो जाएंगे, हमारी खुशियों की चोरी हो जाएगी, हम बेईमानी करने लगेंगे, हम घमंडी हो जाएंगे, और ऐसी ही बहुत सारी बातें। जब आप ये सब सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको अमीर नहीं होने देता। आपका दिमाग हमेशा ही आपको अमीर होने से रोकता रहता है। आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब सही करते हैं, पर उसके बाद कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि आपको गरीब बनाकर रखता है। इसीलिए ज़रूरी यह है कि आप सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलें। आप समझ लीजिए कि ये जो सोच है कि अमीर बुरे होते हैं, या फिर लोग गलत काम करके ही अमीर बन सकते हैं, या फिर नौकरी करने वाले लोग अमीर नहीं हो सकते, अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई भी सोच है तो प्लीज़ आपको ये झूठ पर भरोसा करना बंद करना होगा, ताकि आप अमीर बन सकें। आप अपने दिमाग को यकीन दिलाइए कि अमीर होना बहुत अच्छा है। आप अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव करिए और उसके बाद दूसरे कदम की तरफ जाइए, ताकि आप अमीर होने को एंजॉय कर सकें और आपका दिमाग आपको इसके लिए रोके नहीं। अमीर होने के लिए दूसरा कदम है पैसे बचाना, कमाना और बढ़ाना। जी हाँ, इस दूसरे कदम में आपको 3 काम करने होंगे, जिसमें पहला काम है पैसे बचाने का। पैसे कैसे बचाना है, इस बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको एंड स्क्रीन से देख सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में समझाऊं तो आपको करना यह है कि आप अभी जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 20% पैसा आपको बचाना है, और ये पैसा कोई भी खर्च करने के पहले बचाना है। और प्लीज आप मुझे खर्च की चकल्लच मत बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अमीर होना है तो इनकम का 20% पैसा बचाना ही होगा, तो ये बचत अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द अमीर हो सकें। दूसरे कदम का दूसरा काम है इस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट कैसे करना है, उसके लिए भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, थोड़ा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लिक्विडिटी में आसान हो, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा पैसा आपको प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आइडिया यह है कि आपको अपने पैसे को किसी भी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके लिए सेफ्टी बनी रहे। अब आप अलग अलग ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आइडिया यह है कि आपको इन्वेस्ट करना है, करते रहना है और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना है। अमीर बनने के दूसरे कदम का तीसरा पार्ट है अपनी इनकम को बढ़ाना। जी हाँ, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना होगा। यहाँ आपकी इनकम कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर भी फोकस करना होगा, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे आए उसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाना होगा। मुझे नहीं पता कि अभी आप क्या काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम करिए ताकि आपकी अर्निंग बढ़े। आप इस पैसे को इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी नेटवर्थ बढ़े और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकें, जो कि अमीर होने के लिए तीसरा कदम है। जैसा कि मैंने कहा, अमीर होने के लिए तीसरा कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना। अगर आपको ये पता नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है,
तो मैं कोशिश करता हूँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर समझाने की। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके जो आज खर्चे हैं या जो आपकी आज लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा आपको बिना किसी काम के मिलता रहे और जब तक आप जिंदा रहें तब तक मिलता रहे। अब ये कैसे करना है इसके लिए कुछ वीडियोज मैं बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊंगा, तो आप उन वीडियो से सीख सकते हैं और जल्द ही आपको मेरे वेबिनार के थ्रू भी सिखाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपने बेल का बटन नहीं दबाया है तो बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर मैं अभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं तो उसका तरीका यह है कि पहले आप अपने खर्चों को कम करिए, जितना कम कर सकते हैं वो करिए, फिर अपने इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज आप कैश में बनाइए। इन प्रॉपर्टीज में आपको रहना नहीं है बल्कि इनको किराए से देना है और आपको तब तक प्रॉपर्टीज बनाना है जब तक आपको किराए से उतना पैसा ना मिलने लगे जितना आपके आज खर्चे हैं। जरूरी नहीं है कि ये तरीका बेस्ट हो, लेकिन मैंने यही करके फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करा है तो मुझे ये तरीका प्रैक्टिकल लगता है और इससे बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उन लोगों को आपके काम के समझने की या सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आज हमारे खर्चे कम हैं और मेरी पत्नी के नाम पर 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक मेरे नाम पर है और इन प्रॉपर्टीज में से 2 पर कोई लोन नहीं है। जो लोन है वो अगले 18 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही इनमें से 2 प्रॉपर्टीज से किराया मिलता है जो कि मेरी पत्नी को मिलता है और वो इतना होता है कि हमारा घर अच्छी तरह से चल जाए और मेरी बेटी की स्कूल की फीस पूरी हो जाए प्लस थोड़ा सा बच जाए। ये बात अलग है कि मुझे ये पैसे नहीं मिलते, ये पूरा पैसा मेरी पत्नी के खाते में जाता है और वो इस पैसे को या तो बचा लेती है या थोड़े पैसे से गोल्ड खरीद लेती है और लोन का पैसा वो तो मैं भर रहा हूँ। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि जब भी फ्यूचर में कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की बात आएगी तो वो अपना पैसा अपना गोल्ड उठाकर मुझे दे देगी और हम एक और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी होगा, ये बात तय है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम वाले पैसे का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और यही अमीर होने का चौथा कदम है। देखिए, खास बात यह है कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं तो आपको ये चिंता नहीं होती कि यार मेरे घर को चलाने का खर्च कहाँ से मिलेगा, मेरा बिजनेस फेल हो गया तो क्या करूँगा, नौकरी छूट गई तो क्या करूँगा और ऐसी ही बातें। तब आपको पैसा कमाना मजबूरी नहीं रहती बल्कि आपको पैसा कमाने में मज़ा आने लगता है। तब आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आपके पास पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं तो आपकी इनकम अपने आप ही बढ़ जाती है। उस वक्त आप नए बिजनेस में हाथ डाल सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं या आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपको और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा धनवान बना सके। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद आप परेशानियों के बारे में नहीं सोचते बल्कि आप सोचते हैं खुशियों के बारे में, ग्रोथ के बारे में, संपन्न होने के बारे में। तो आपके एक्शन भी उसी तरह के होते हैं, तब आपको और ज़्यादा पैसा मिलता है और आप अमीर होते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीर होने के लिए पहला कदम है अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना, दूसरा कदम है अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम को बढ़ाना, तीसरा कदम है खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम देना और चौथा और आखिरी कदम है पहले की 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को अमीर बनाने के लिए अपनी नेटवर्थ को बढ़ाते रहना। और ये बात मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते हुए कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते हुए कर सकते हैं और आप खुद को अमीर बना सकते हैं। और जल्दी मैं इसके लिए एक वेबिनार भी लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये सब करना कैसे है। उम्मीद करता हूँ अब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे और खुद को अमीर ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मैं लगातार आपके लिए काम के वीडियो शेयर करते रहता हूँ। तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।